हाय बच्चों वेलकम टू सी फोर सेवन माइनेर्च एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज बच्चों आज हम लोग कवर करने वाले हैं मार्केटिंग को वन शॉट में चलिए क्लास को शुरू करते हैं बच्चों मार्केटिंग की अगर बात किया जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप बात करते हो वेटेज की यानी कि मार्क्स के टर्म्स में भी ये काफी ज्यादा लेंदी जो है चैप्टर तो है ही है मतलब बहुत कुछ इसमें पढ़ना होता है लेकिन मार्क्स भी इसमें काफी अच्छे स्कोर करने के लिए आपको मिल जाते हैं अगर मैं बोर्ड्स की बात करता हूं तो बेटा बोर्ड्स के अंदर आपको ये मार्केटिंग का का चैप्टर जो है वो 11 से 12 नंबर का देखने के लिए मिल सकता है यानी कि 11 से 12 नंबर अकेले आपका ये जो चैप्टर है ये मार्केटिंग का होल्ड करता है और अगर C.U.E.T की बात किया जाए तो बेटा कम से कम आप मान के चलिए कि अगर कोई केस स्टडी भी आ जाती है तो ये मान के चलेंगे कि लगभग लगभग पांच से छह क्वेश्चन मार्केटिंग के मिनिमम आपको देखने के लिए मिलेंगे, ही मिलेंगे। तो 11 से पढ़ते हैं और लीजिए 25 से पांच से अगर आप सही लगा के आते मार्केटिंग के, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं यानी कि ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंदी काफी ज्यादा वेटेज इसका है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं मार्केटिंग के अपने इस वन शॉट को और अगर बिजनेस की बात किया जाए तो मार्केटिंग आपका चैप्टर नंबर इलेवेंथ है पार्ट बी का

आ, भाई मार्केटिंग अब वैसे वैसे तो मार्केट है है ना अब जो आपका मेन वर्ड है यहाँ पे वो है मार्केट और मार्केट के आगे लग जाता है आई एन जी यानी कि जहां पे भी आई एन जी लग जाता है ईट eat, ईटिंग है ना वॉक वॉकिंग तो जहां पे आई एन जी लग गया सिंपल है भैया वो प्रोसेस हो गई अब मार्केटिंग समझने से पहले बच्चों आप लोगों को मार्केट समझना पड़ेगा कि भैया मार्केट क्या होता है तो देखो यार सिंपल है बचपन में ऐसी ड्राइंग बनाया करते थे हम लोग और मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों मार्केट क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया व्हाट इज मार्केट तो बेटा मार्केट आप जवाब दोगे कि सर ऐसी कोई जगह जहां पे बेचने वाले भी हैं खरीदने वाले भी हैं खरीदने वाला पैसा देता है सामान खरीदता है बेचने वाला सामान देता है पैसा ले लेता है यानी कि एक्सचेंज चलता रहता है पैसों का प्रोडक्ट का और सर्विसेज का तो मार्केट के अंदर वो सारे के सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं जो सामान बेचने के लिए आए हैं एंड ऑल पोटेंशियल पोटेंशियल कस्टमर्स बेटा ऑल कस्टमर्स यहां पे मार्केट के अंदर आपको मिलेंगे सवाल ये आएगा आपके मन में कि सर पोटेंशियल कस्टमर का मतलब क्या होता है बच्चों पोटेंशियल का मतलब होता है जिनके अंदर एबिलिटी भी है जिनके अंदर काबिलियत भी है एंड जिनके अंदर इच्छा भी है ठीक है देखिए मार्केट के अंदर वो सारे के सारे पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं जिनके अंदर एबिलिटी भी है एबिलिटी का मतलब है जिनके अंदर जिनके पास पैसा है यानी कि आप आसान भाषा में बोलो तो वो इस काबिल हैं कि वो उस पर्टिकुलर सामान को ख़रीद सकते हैं और इच्छा भी है कैसी इच्छा सामान को खरीदने की इच्छा तो जहां पे इच्छा जुड़ जाए विलिंगनेस जुड़ जाए और जहां पे एबिलिटी जुड़ जाए तो समझ जाएगा कि ऐसे कस्टमर को हम लोग पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं मान लीजिए मुझे कोई कार खरीदनी है लेट से एन एग्जाम्पल मुझे आ, महिंद्रा की थार अभी आई है फाइव डोर तो मुझे फाइव डोर थार खरीदनी है मेरे पास अगर पैसे हैं तो एबिलिटी ठीक है और अगर मेरी थार खरीदने की इच्छा है तो विलिंगनेस जब ये दोनों चीजें मेरे पास होंगी तो मैं महिंद्रा कंपनी के लिए एक पोटेंशियल कस्टमर कहलाऊंगा अब ये पोटेंशियल कस्टमर करता क्या है भैया सिंपल सी बात है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदता है और क्यों खरीदता है अपनी नीड्स और को करने के लिए क्यों क्यों खरीदता है भाई मैं थार खरीदूंगा अपनी नीड और वॉन्ड को सेटिसफाई करने के लिए मैं ये टी शर्ट क्यों खरीदूंगा अपनी नीड और वॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए मैं मार्कर क्यों खरीदूंगा नीड और वॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए तो बच्चों मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स है बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है विलिंगनेस है सामान को खरीदने की सर्विस को अवेल करने की और बदले में वो पैसा देने के लिए तैयार है और अपनी नीड्स और वॉन्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं तो मार्केट की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है हम लोग को चलिए अब आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग की तरफ तो देखो यार मार्केटिंग सबसे पहले मैंने बताया कि आई लग जाता है तो वो एक प्रोसेस हो जाता है सबसे पहली बात तो ये कि मार्केटिंग क्या है एक सोशल प्रोसेस है यानी कि कोई एक कमरे में बंद कर बंद होके काम करने वाला काम नहीं है मार्केटिंग मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है आपको सोसाइटी के बीच उतरना पड़ेगा समाज में जाना पड़ेगा अब करना क्या होता है ये समझिए इस सोशल प्रोसेस के कारण जो इंडिविजुअल्स है या जो ग्रुप्स है उनको वो मिलता है जो उनको चाहिए यानी कि वो अपनी नीड और वॉन्ट को सेटिस्फाई करते हैं मार्केटिंग क्या है मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल्स हैं या जो ग्रुप्स हैं उनको वो मिलता है जो उनको चाहिए और कैसे मिलता है जब मार्केटर एक ऑफरिंग क्रिएट करता है ऑफरिंग का मतलब है कि बेटा जैसे फोन लेने गए तो फोन का डब्बा मिला फोन का चार्जर मिला फोन के साथ ईयरफोन मिला और वो पिन मिली ये सारी चीजें और फोन के साथ बुकलेट वगैरह मिली यानी कि अगर आपको सिर्फ फोन दिया जाएगा नया तो आप नहीं लोगे आपको चार्जर भी चाहिए आपको मैनुअल भी चाहिए आपको डब्बा भी चाहिए तो एक प्रॉपर ऑफरिंग क्रिएट की जाती है एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया जाता है जो एक प्रॉपर ऑफरिंग आपको प्रोवाइड करता है और अपने एक्सचेंज करना अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को ऑफ वैल्यू विद अदर्स समझ गए चलिए मैं आपको एग्जांपल दे दे के सारी चीजें समझाता हूं सबसे पहले मार्केटिंग क्या बताया गया है भाई मार्केटिंग को एक सोशल प्रोसेस बताया गया है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल्स हैं जो ग्रुप्स हैं उनको वो मिल जाता है जो उनको चाहिए थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स अब मार्केटर क्या करता है एक ऑफरिंग क्रिएट करता है और फ्रीली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करता है बेटा यहाँ पे फ्रीली का मतलब है कि आप किसी को जबरदस्ती सामान नहीं बेच सकते हैं। उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए यानी कि मैं मार्कर मुझे कोई मार्कर जबरदस्ती नहीं बेच सकता है बेटा जब मैं खरीदूंगा तब जब मेरा कंसेंट होगा तब मैं खरीदूंगा कोई भी मुझे जबरदस्ती बेच नहीं सकता है तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को फ्रीली एक्सचेंज करो और सामने वाले के लिए वो चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए देखो आपके हाथ में अभी मार्कर है नहीं है क्योंकि आप बोर्ड पे नहीं लिख रहे आपके हाथ में पेन होगा समझ रहे हो आपके लिए पेन की वैल्यू है मेरे लिए मार्कर की वैल्यू है आप बात समझ गए मेरी ठीक है आप मुझसे पढ़ रहे हो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। आपके लिए इस, पढ़... इस इस, क्लास की वैल्यू है तो मैं आपको ऐसी ही चीज दे रहा हूँ जो आपके लिए वैल्यूएबल हो और ये डेफिनेशन हमारे फिलिप कॉर्टलर साहब ने दी थी अब आप लोग इस पूरी डेफिनेशन को एक साथ पढ़ने के आ, बिल्कुल मतलब एक साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है पढ़ के देख लीजिए पूरी मार्केटिंग आपको समझ में आ जाएगी

यूटिलिटी uh, क्रिएट करके दो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा और आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बन जाएगी तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को इन्होंने इन्होंने आर्ट बताया बताया साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट क्या करने के लिए सर टारगेट मार्केट चुनने के लिए सबसे पहले एक मार्केटर को क्या करना है मान लीजिए मैं कंपनी का मालिक हूं मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है मैं सबसे पहले क्या करूंगा अपने टारगेट मार्केट को चुनूंगा कि किस मार्केट में जाके मुझे सामान बेचना है तो फिलिप कॉटलर का कहना है कि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है एक तरह की साइंस है सबसे पहले मैं अपने मार्केट को चुनूंगा, उसके बाद गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग। उसके फिर वो कस्टमर्स मेरी दुकान पे रहेंगे रहेंगे मतलब कंटिन्यूसली मुझसे सामान खरीदेंगे एंड ग्रोइंग आज मेरे पास दो कस्टमर हैं कल चार हो परसों चालीस हो फिर अस्सी हो एंड दो सौ भी हो और दो लाख भी हो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बेटा मुझे क्या करना है अपने कस्टमर्स को ग्रो करना है और ग्रो कैसे होगा जब मैं हर एक कस्टमर को बेस्ट यूटिलिटी का सामान प्रोवाइड करूंगा थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और आपको प्रोडक्ट यानी कि बढ़िया प्रोडक्ट जो कस्टमर को चाहिए वो बनाना पड़ेगा उसके घर तक पहुंचाना पड़ेगा क्रिएट करना पड़ेगा डिलीवर करना पड़ेगा और इतना ही नहीं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई देखो मेरे पास ये मार्कर है बहुत बढ़िया मार्कर है मैं आपको बेचूंगा आप तक पहुंचाऊंगा और आपको ये बात बताऊंगा इन सारी एक्टिविटीज को जब हम मिला देते हैं तो उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है अब आप लोग डेफिनेशन पढ़ के देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है एक साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड कीपिंग ग्रोइंग एंड 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 गेटिंग द थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग कम्युनिकेटिंग द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू समझ गए बच्चों सिंपल यार कि मैं आज बेटा आज की अगर आप बात करते हो तो पहले होते थे ट्रेडिशनल मार्केट आज है मॉडर्न मार्केट्स ट्रेडिशनल मार्केट में जो बनाओ वो बिक जाता था मॉडर्न मार्केट्स में वो बनाओ जो कस्टमर को चाहिए नहीं तो बिकेगा नहीं समझ रहे हो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या था चॉइसेस कम थी आप जो भी बनाते थे वो आसानी से कस्टमर आपका खरीद लेता था लेकिन बेटा मॉडर्न मार्केट में ऐसा नहीं है आपको कस्टमर की नीड और वांट के हिसाब से प्रोडक्ट देना पड़ेगा और तभी कस्टमर जब सेटिस्फाइड रहेगा उसको लगेगा कि ये मेरे पैसे के लिए वैल्यूएबल है तो ही वो आपका सामान खरीदेगा और इसी को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं ठीक है

देखिए बच्चों सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कांसेप्ट देखिए प्रोडक्शन कांसेप्ट में क्या बताया जा रहा है कि सामान जो है अपना जो भी आप कर रहे हो जो भी बना रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा बनाओ यानी कि अगर आप सामान ज्यादा से ज्यादा बनाओगे यानी कि अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्शन अगर आप करते हो लार्ज स्केल तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे कम होने लगेगी और क्योंकि आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो पर यूनिट कॉस्ट धीरे 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 कम हो रही है यानी कि एक मार्कर को बनाने का खर्चा जहां पहले सौ रुपए आता था अब पचास रुपए आएगा और धीरे धीरे दस रुपए भी आएगा तो धीरे धीरे क्या होगी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की को बनाने की कॉस्ट कम हो जाएगी तो आप अपने सामान को ज्यादा सस्ते में बेच पाओगे यानी कि अफोर्डेबिलिटी तो दो बेनिफिट होंगे यानी एफोर्डिबिलिटी आपका सामान मार्केट में सस्ते में मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है और अगर आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो उसका दूसरा फायदा यह है कि आपका जो सामान है वो मार्केट में जहां तहां हर दुकान पे अवेलेबल होगा देखो बेटा आप उस समान को खरीदना पसंद करते हो सोच के देखिएगा आप ऐसा बिस्किट खाते हो आप ऐसा स्नैक खाते हो जो हर दुकान में इजिली मिल जाए एग्जाम्पल के तौर पे कुरकुरे अब आप कुरकुरे आपको हर दुकान पे मिल जाएगा डेरी मिल्क की चॉकलेट आपको हर दुकान पे मिल जाएगी अमूल का मिल्क हर दुकान पे मिल जाएगा ऐसे कंज्यूमेबल आइटम्स आप कंज्यूम करते हो जो हर दुकान पे मिल जाए मेरी बात समझ रहे हो जो हर दुकान पे मिले तो जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तब दो फायदे होते हैं पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है जिससे कि आपका सामान ज्यादा अफोर्डेबल हो जाता है अब अगर आपका सामान अफोर्डेबल होगा तो जनता के बीच में उतरेगा Osionfish. और अवेलेबल हो जाएगा यानी कि हर दुकान हर स्टोर में आपका सामान मिलना शुरू हो जाएगा तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करने के दो फायदे आपको होंगे पहला अफोर्डेबिलिटी और दूसरा अवेलेबिलिटी चलिए आगे आते हैं और बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में सॉरी प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया अब बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट के बारे में और प्रोडक्ट कंसेप्ट का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है बेटा वो है एप्पल एप्पल समझते हो खाने वाला नहीं

अपने परफॉर्मेंस को और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बढ़ाना पड़ेगा तो जब आप प्रोडक्ट कंसेप्ट की बात करते हो तो क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर्स की बात होती है क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर्स की बात होती है इन तीनों को क्या करते रहो इंप्रूव करते रहो क्या करते रहो सर इंप्रूव करते रहो प्रोडक्ट कंसेप्ट में कहा जा रहा है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर्स को इम्प्रूव करते रहोगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में बना रहेगा अगर आपने नोकिया की तरह अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट नहीं किया उसकी क्वालिटी और फीचर्स को नहीं इंप्रूव किया तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे अब आते हैं बच्चों बात करते हैं सेलिंग कंसेप्ट की सेलिंग कंसेप्ट में इतना कहा जा रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपके पास है जो भी सामान आपके पास है आप उसको तुरंत क्या करिए आप उसको तुरंत बेच दीजिए रखो कुछ नहीं यहां पे लार्ज स्केल सेलिंग की बात हो रही है कि भैया बेच दो बेच दो क्यों क्योंकि बेटा बेचोगे तो पैसा आएगा पैसा आएगा तो प्रॉफिट आएगा अगला कंसेप्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट जहां पर यह कहा जाता है कि ऐसा सामान बनाओ ऐसी सर्विस दो कि कस्टमर्स की नीड्स और वॉन्ट्स क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए कस्टमर की नीड एंड वॉन्ट्स क्या हो जाए सेटिस्फाई रहे अगर कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई रहेगी

प्रोडक्ट कंसेप्ट में कहा जाता है प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस फीचर और क्वालिटी को इंक्रीज करो सेलिंग कंसेप्ट में कहा जाता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचो मार्केटिंग कंसेप्ट में कहा जाता है कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करो और सोशल सोसाइटल कंसेप्ट में कहा जाता है कि सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान दो चलिए आपको एक चार्ट बेटा दिखाना चाहूंगा ये चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए और अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आइंदा इस चार्ट को पढ़ने के बाद कभी भी आपको इन पांचों कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी इस चार्ट में देखिए सबसे पहला आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट और प्रोडक्शन कंसेप्ट देखिए प्रोडक्शन प्रोडक्ट सेलिंग मार्केटिंग मार्केटिंग सोसाइटल लाइन से सारे सोसाइटल्ट लिख दिए और सभी को हमें जज करना है चार बेसिक पॉइंट्स पे स्टार्टिंग पॉइंट मेन फोकस मीन और एंड्स जिसमें सबसे पहला आता है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन कंसेप्ट से कहानी को शुरू करते हैं बेटा प्रोडक्शन कहाँ से शुरू होता है आप लोग खुद दिमाग लगाइए प्रोडक्शन फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से शुरू होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन कंसेप्ट का क्या है स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन कंसेप्ट का है फैक्ट्री ठीक है ओके हमारा मेन फोकस क्या है प्रोडक्शन कंसेप्ट में कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करें यानी कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाओ मीन्स क्या है हम कैसे प्रोडक्शन कंसेप्ट में बेहतर कर सकते हैं अपने सामान को हर दुकान में अवेलेबल करवा के अवेलेबिलिटी जो ऑलरेडी पढ़ा दिया है एंड अफोर्डेबिलिटी यानी कि सामान हमारा सस्ते में बिकना शुरू हो जाए और एंड कहाँ पे होगा जब आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे थ्रू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब ये समझ आइएगा कि आपका जो प्रोडक्शन कंसेप्ट की कोशिशें हैं वो कामयाब हो चुकी हैं आते हैं बच्चों प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट कंसेप्ट देखिए कहां से शुरू होता है फैक्ट्री से एक फैक्ट्री के अंदर से ही प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर्स को इनक्रीज करने की बातें शुरू हो जाती हैं पे हमारा मेन फोकस क्या है मेन फोकस है प्रोडक्ट की क्वालिटी परफॉर्मेंस और फीचर्स को बढ़ाओ मींस क्या है बच्चों मीन्स है प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करना मतलब आप कैसे प्रोडक्ट कंसेप्ट को अचीव कर सकते हो जब आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लगातार मैं तो ये कहूंगा कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आप क्या करते रहो अपने प्रोडक्ट में कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते रहो और आपका एंड कहां पे होगा देखिए आखिरी पॉइंट क्या है एंड एंड कहां पे होगा प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी जितना ज्यादा आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर बनेगी आप बहुत अच्छा पैसा मार्केट में कमाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा आते हैं बच्चों सेलिंग कंसेप्ट देखिए सेलिंग कंसेप्ट का क्या कहना है सेलिंग कंसेप्ट में कहा जा रहा है कि सेलिंग भी फैक्ट्री से ही शुरू हो जाती है जहां पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान बेच देता है तो ये भी फैक्ट्री से शुरू हो जाता है अब आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री मेन फोकस क्या है सेलिंग प्रोडक्ट में सेलिंग कंसेप्ट में मेन फोकस है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करना क्या करो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करो ठीक है जो है वो रखो नहीं सब बेच दो मीन्स क्या है भाई सेल करो और सेल कैसे करोगे प्रमोट कर करके जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे उतना ज्यादा सामान बिकेगा और एंड क्या है एंड है कि बेटा आप प्रॉफिट कमाएं सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा के जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा सिंपल मार्केटिंग कंसेप्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है मार्केटिंग कंसेप्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मार्केट से शुरू होता है यानी कि मार्केट के अंदर जब आप कदम रखेंगे उसी दिन से मार्केटिंग कंसेप्ट आपका शुरू हो जाएगा यहां पे मेन फोकस क्या है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करो को सेटिस्फाई करना है ठीक है 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 ना मेन फोकस क्या कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना है अब मींस क्या है कैसे अचीव कर पाएंगे मार्केटिंग कंसेप्ट में लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब यह है कि मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं जैसे कि मार्केट प्लानिंग स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग लेबलिंग ब्रांडिंग ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशन जब ये मार्केटिंग के सारे फंक्शन अच्छे से होंगे तो आप समझ जाएगा बढ़िया चल रहा है और प्रॉफिट कैसे कमाएंगे जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतना ही वो आपके पास रिपीट सेल लाएगा बार बार आपसे सामान खरीदने आएगा और आपको प्रॉफिट देगा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मार्केट है और सोसाइटी है मार्केट का मतलब है जित आप मार्केट में उतरो मार्केट को सेटिस्फाई करो मार्केट में कस्टमर्स की नीड्स को देखो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट सोसाइटी का ख्याल भी रखो सोसाइटी के फायदे की बात भी करो दैट्स ऑल मेन फोकस क्या है कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना और सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखते रहना सिंपल है बेटा मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग में एक ही फर्क है सोसाइटल मार्केटिंग में सोशल वर्ड जुड़ जाता है यानी कि समाज की भलाई यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी दैट्स ऑल यहाँ पे हमको पूरे मार्केट का ख्याल रखना है ना सिर्फ कस्टमर्स का बल्कि गवर्नमेंट का टैक्स अथॉरिटीज का कॉम्पिटिटर्स का सप्लायर्स का और समाज का अपने, का अपने देश का अपने देश के लोगों का भला करना है ठीक है और बेटा आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे जब आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करेंगे और सोसाइटी का वेलफेयर भी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्यों प्रॉफिट होगा क्योंकि बेटा जब आप सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे समाज की भलाई के लिए कुछ काम करेंगे तो समाज में आपकी कंपनी की आपकी ब्रांड की एक अच्छी इमेज बनेगी अच्छी इमेज बनेगी तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा वो तो बेटा ये चार्ट आप लोग एक नजर और देख लीजिए आपको एक मिनट देता हूं प्रॉपर देख लीजिए देखिए प्रोडक्शन प्रोडक्ट सेलिंग मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग स्टार्टिंग पॉइंट मेन फोकस मीन्स और एंड्स ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने बिल्कुल साफ क्लियर है कि भैया सबका शुरू कहां से होता है मेन फोकस क्या है कैसे अचीव करेंगे और कहां पे खत्म होगा तो ये सारे एक बार कंसेप्ट आप एक नजर देख लीजिए और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो प्लीज आप लोग ले सकते हैं उसके बाद हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक मतलब सिलसिला है ठीक है अभी जल्दी से खत्म नहीं होगा हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही बहुत ही ही इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है फोर पीस ऑफ मार्केटिंग हमें क्या करना है हमें मार्केटिंग के फोर पीज अब पढ़ने फोर पीस में यानी कि फोर पीस में सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मिक्स फिर आता है प्राइस मिक्स फिर आता है प्लेस मिक्स और फिर आता है प्रमोशन मिक्स तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये चार मिक्स बनते हैं तब बनता है मार्केटिंग मिक्स और इसमें सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्ट मिक्स तो चलिए शुरू करेंगे बेटा प्रोडक्ट क्या होता है देख रहे ना क्लोदिंग फैशन किचन अप्लायसेज हेल्थ मोबाइल एप्स कार रेंटल बुक्स टूरिज्म ट्रेवल मूवीज स्टोर्स रेस्टोरेंट होटल गुड्स हो सर्विस हो सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आती हैं ठीक है सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे ये ये मार्कर है तो ये तो गुड है लेकिन गुड के साथ साथ सर्विसेज भी प्रोडक्ट के अंदर ही आती हैं अब ये प्रोडक्ट होता क्या है है यार यार सिंपल तुम्हारे हाथ में पेन है और बुक है ना तो वो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट है मेरे हाथ में मार्कर है वो मेरे लिए प्रोडक्ट है मैंने चश्मा पहन रखा है ये मेरे लिए प्रोडक्ट है ठीक है तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल हो प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो सामने वाले वैल्यूएबल होगा उसे हम कहते हैं। और किया जाए तो वो प्रोडक्ट डिसीजन में क्या क्या डिसीजन लेती है कि उसका प्रोडक्ट का लेआउट क्या होगा फीचर क्या होंगे क्वालिटी क्या होगा डिजाइन क्या होगा उसका प्रोडक्ट दिखेगा कैसा क्या फीचर्स होंगे कैसी क्वालिटी देने वाले हैं हम लोग ठीक है और अगर प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट की बात करते हैं तो बेटा वो तीन पार्ट है सबसे पहले आपको पैकेजिंग पढ़ाऊंगा फिर ब्रांडिंग पढ़ाऊंगा और फिर लेबलिंग पढ़ाऊंगा ब्रांडिंग के अंदर ब्रांड नेम ब्रांड मार्क ट्रेड मार्क ये सारे कॉम्पोनेंट हमको बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स में पढ़ने होते हैं बेसिक बात यह है कि बच्चों जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट में सिर्फ उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अगर आप घड़ी पहन रहे हैं अगर आप से लिख रहे हैं तो सिर्फ पेन की कॉस्ट नहीं है उसमें ब्रांडिंग की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है उसमें पैकेजिंग की की कॉस्ट कॉस्ट भी भी इंक्लूडेड इंक्लूडेड है 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 उसमें लेबलिंग और एक प्रोडक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपको सामान बेच दिया जाए आपको उसमें ब्रांड भी मिलता है आपको उसमें लेबल्स लगे हुए भी मिलते हैं और हर प्रोडक्ट एक पैकेट के साथ आता है तो पैकेजिंग भी मिलती है और हमको ये सारी चीजें पढ़नी होंगी चलिए जिसमें सबसे पहला पार्ट है पैकेजिंग का मैंने क्या बताया बेटा सबसे पहले आपको पैकेजिंग पढ़ाऊंगा

कोई भी प्रोडक्ट किसी पैकेट में आता है किसी रैपर में आता है और उसे पैकेजिंग कहेंगे पैकेजिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस है क्या है वो इंपॉर्टेंस सबसे पहले आपका जो खाने पीने का आइटम है अगर आप कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे हो तो उसमें हेल्दी हेल्दीनेस मेंटेन रहे सैनिटेशन यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को साफ सफाई से यूज़ कर सको कोई गंदगी ना लगे उसमें या हेल्दी आ, जो उसका एलिमेंट है हेल्थ वो मेंटेन रहे तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है पैकेजिंग का कि अगर मैं खाने पीने के आइटम्स में पैकेजिंग कर रहा हूं तो उसमें मेरा मेन मोटिव ये होगा कि साफ सफाई से कस्टमर को मिले सेनिटेशन मेंटेन रहे और सामान को कुछ खराबी ना हो तो हेल्थ मेंटेन करना ठीक है दूसरा यह है कि सेल्फ सर्विस आउटलेट बेटा अगर आप कभी डोमिनोज गए हों कभी मैकडोनल्ड गए हों कभी पिज्जा हट गए हों कभी भी आप ऐसे सेल्फ सर्विस आउटलेट पे जाइए तो आप देखेंगे कि जैसे ये पिज़्ज़ा है तो ये एक डब्बे में मिलता है ठीक है ये आपको ऐसे प्लेट में करके पिज़्ज़ा नहीं देते हैं ये एक डब्बे में देते हैं डब्बे में क्यों देते हैं सिंपल सी बात है आप कस्ट आप काउंटर पे जाते हो काउंटर पे जाके आप ऑर्डर देते हो सेल्फ सर्विस आउटलेट का मतलब ही यही है कि आप खुद की सर्विस ले रहे हो आप काउंटर पे गए आपने ऑर्डर दिया आपने पैसे दिए फिर उसने ऑर्डर नंबर चिल्लाया ठीक है और फिर आप डब्बा लेके अपने टेबल पे आ गए आपने डब्बा खाया Uh, अंदर का पिज्जा खाया और डब्बा जाके फेंक दिया ठीक है ना कोई प्लेट ना कोई ट्रे और ना कोई सर्विस का वेटर ठीक है कोई भी आपकी सर्विस में नहीं है आपको सेल्फ सर्विस करना है ऐसी जगहों के लिए भी पैकेट बहुत जरूरी हो जाता है तीसरा चीज यह है कि बेटा किसी भी प्रोडक्ट को और वैल्यूएबल बनाता है हमारा पैकेट एग्जांपल डेरी मिल्क सेलिब्रेशन का डब्बा अब अगर आप डेरी मिल्क सेलिब्रेशन का डब्बा देखते हैं तो उस डब्बे के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स होती हैं अब मैं ये मानता हूं कि अगर आप ढाई वाला डब्बा खरीदते हो है ना अगर आप डेरी मिल्क सेलिब्रेशन का ढाई वाला डब्बा लेते हो है ना तो उसमें जो चॉकलेट्स होंगी वो आपको वर्थ रुपीस, उसके अंदर क्या होती है उसके अंदर अंदर बॉक्स के सारी चॉकलेट्स होती हैं तो जो चॉकलेट्स होती हैं वो वर्थ रुपीज दो के करीबन होती हैं तो पचास रुपए आप कहे के दे रहे हो सिंपल है सर पचास रुपए आप ये है चॉकलेट का पैसा ठीक है और जो पचास रुपए आप दे रहे हो वो दे रहे हो आप पैकेट का पैसा सिंपल है जो डब्बा आप लेके आ रहे हो सेलिब्रेशन का पचास रुपए का पैसा इस से दे रहे हो क्योंकि गिफ्ट करने में एक -एक करके अच्छी नहीं लगेगी थोड़ा अच्छा लगता है और इसके पैसे आप पे कर रहे हो तो यह वाली बात होती है कि कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को एड करता है आपका पैकेट पैकेट इनोवेटिव होना चाहिए कुछ बढ़िया पैकेट होना चाहिए जैसे प्रीमियम एग्जाम्पल मैंने आपको दिया डेरी मिल्क सेलिब्रेशन का डब्बा चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट प्रोडक्ट कि भैया जो आपका है वो मार्केट में उसकी अलग पहचान हो बच्चों आप लोग मुझे बताओ, अगर ये नाम नहीं भी लिखा होगा, अभी भी इस नाम को मैं छुपा लेता हूँ बताओ ये किसका डब्बा है बता दोगे ना कि डोमिनोज का है क्यों एक तो सिंबल भी देख रहे हो है ना एक तो क्या है कि सिंबल भी देख रहे हो ठीक है नाम तो लिखा ही है प्लस सिंबल भी है प्लस नीले कलर का डब्बा भी है आप दूर से ही देख के पहचान जाओगे कि इसके अंदर डोमिनोज का पिज्जा ही होगा यानी कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट को अलग पहचान दिलवाना यह भी एक पैकेजिंग का ही काम होता है राइट बच्चा पार्टी कोई दिक्कत तो नहीं है चलो तो पैकेजिंग की भैया चार इंपॉर्टेंस बताई गई हेल्थ और सैनिटेशन को मेंटेन करना सेल्फ सर्विस आउटलेट पे बहुत यूजफुल है प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड करना इनोवेटिव पैकेजिंग करते हैं तो और प्रोडक्ट में डिफरेंसिएशन लेके आना ये सारे जो है मतलब आपकी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में अलग पहचान दिलवाना ये सारे जो इम्पोर्टेंस हैं वो पैकेजिंग के हो जाते हैं तो बेटा ये तो हो गया पैकेजिंग अभी हम लोग आगे देखेंगे कि लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है ना पैकेजिंग कितने लेवल्स की है तो अगर आप घर के लिए टूथपेस्ट तो बेटा लेके आते ही होगा और आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके से ट्यूब में एक टूथ टूथपेस्ट आपको मिलता है बेटा ऐसे ट्यूब को हम लोग कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग और ये टूथपेस्ट की जो ट्यूब है ये भी एक डब्बे में आती है जिसको आप घर पे लाते ही डब्बा निकाल के फेंक देते हो और ऐसे बहुत सारे डब्बे एक बड़े से कार्टन में रखे होते हैं जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं या जिसको हम लोग टर्शरी पैकेजिंग भी कहते हैं तो देखिए ये देखिए प्राइमरी पैकेज रिफर्स टू इमीडिएट कंटेनर ऑफ अ प्रोडक्ट अगर आप टूथपेस्ट की ट्यूब को देखते हो तो बेटा वो इमीडिएट कंटेनर है यानी कि आप उस ट्यूब को तब तक नहीं फेंकोगे जब तक आपका टूथपेस्ट पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए इसे ही इमीडिएट कंटेनर कहते हैं कि जब तक प्रोडक्ट काम में आ रहा है तब तक प्राइमरी पैकेट मेरे पास रहेगा तो बेटा सबसे पहला हो जाएगा इमीडिएट कंटेनर दूसरा क्या है सेकेंडरी पैकेजिंग रिफर्स टू एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बिसाइड्स प्राइमरी पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग के अलावा जो एक और डब्बा होता है टूथपेस्ट का उसे हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं जो एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग को हम लोग टर्शरी पैकेजिंग भी कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग यानी कि ये जो ये जो कार्ड बॉक्स है ये जो हार्ड बॉक्स है इसमें आपका सामान आता है जिसको आप स्टोरेज के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प में लाते हो तो सिंपल है प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शरी पैकेजिंग प्राइमरी पैकेजिंग इज फॉर इमीडिएट कंटेनर ऑफ़ द प्रोडक्ट सेकेंडरी पैकेजिंग इज फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड आइडेंटिफिकेशन तो आप लोग इस फोटो को देख के सारी चीजें समझ सकते हो ठीक है ये हो गया हमारा लेवल्स ऑफ पैकेजिंग चलिए पैकेजिंग के अपने कुछ फंक्शंस भी हैं जैसे मैंने आपको बताया रिपीट कर देता हूं मार्केट में आपके प्रोडक्ट को अलग पहचान दिलवाना जैसे कि मैं अगर कहता हूं कि बेचा कि बेटा आप बताओ ये किसका पैकेट है आप अभी भी देख के बता दोगे मेरे कवर करने के बाद भी कि सर ये कुरकुरे का पैकेट है कैसे पहचान पाए क्योंकि ऑरेंज कलर का स्नैक और जहां पे मसाला मंच लिखा हो और जहां पे ये पैकेट पे सारी चीजें बनी हो ये कुरकुरे का ही हो सकता है कैसे पहचाना आप लोगों ने पैकेट की वजह से तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ईजी हो जाता है पैकेजिंग से मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिलती है पैकेट से जैसे कि आपने टूथपेस्ट वाले केस में देखा आप प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो बेटा आप बताओ वो जो ट्यूब ना होती अगर टूथपेस्ट एक ट्यूब में ना आता तो कैसे इस्तेमाल करते दिक्कत आती ना दिक्कत आती तो इसीलिए कह रहा हूं कि टूथपेस्ट के अंदर ट्यूब के अंदर जो टूथपेस्ट है उसको यूज करने के लिए भी आपको ट्यूब चाहिए ठीक है तो प्रोडक्ट का यूज हो जाए अच्छे से जैसे पिज्जा हट का जो डब्बा है उसके अंदर पिज्जा है तो डब्बा खोला पिज्जा खाया और फिर फेंक दिया ठीक है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का साथ ही साथ प्रमोशन करने में हेल्प करता है पैकेट। जैसे आप देख सकते हैं चाहते जैसे दिख भी रहा होगा ठीक है उसमें नीले में कुरकुरे लिखा हुआ है। फिर मसाला मंच लिखा हुआ है फिर कुरकुरे बना भी हुआ है भुट्टा दाल नमक मसाले सब कुछ इस फोटो में लहसुन वहसुन भी है टमाटर भी है कहने का मतलब क्या है भाई कि सिंपल है प्रोडक्ट के पैकेट को देख के बंदे को समझ में आ जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है ना चाहते हुए भी खरीद ले ठीक है ऐसा होना चाहिए हमारी पैकेजिंग तो प्रोडक्ट का, का प्रमोशन करना भी पैकेजिंग का ही एक मेन काम होता है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रांडिंग की तो बेटा मैंने आपको पैकेजिंग पढ़ाई आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी अभी हमारा प्रोडक्ट मिक्स चल रहा है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोगों ने पैकेजिंग पढ़ा अब हम लोग ब्रांडिंग पढ़ेंगे फिर हम लोग लेबलिंग पढ़ेंगे फिर आगे के मिक्सिस को देखेंगे आते हैं बच्चों ब्रांडिंग पे ब्रांडिंग ब्रांड तो आप लोग जानते ही होगी ये सारे ब्रांड आप जो है जानते हो शनाल मैकडोनल्ड्स एप्पल स्टाबक फोर्ड ठीक है गूगल नाइकी कोको कोला -को ये क्या है बेटा ये ये ब्रांड्स हैं आप कैसे पहचान पाए आप इनके मार्क से ही इनको पहचान गए आपको किसी नाम की जरूरत नहीं है ये एप्पल जहां बना होगा तो आप समझ जाओगे कि एप्पल का ही प्रोडक्ट है आपको नाम की जरूरत नहीं है अब क्यों पहचान पाए क्योंकि इन कंपनीज की ब्रांडिंग तगड़े लेवल पे है ठीक है इन बच्चा-बच्चा जानता है चार चार पीढ़ियां जानती है गूगल क्या है एप्पल क्या है मैकडोनल्ड क्या है नाइकी क्या है कोको कोला क्या है है बक्स क्या है सिंपल सी बात है बेटा ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को एक नाम अच्छा दोबारा से आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी का मतलब काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है ये ब्रांडिंग कोई वन टाइम काम नहीं है ब्रांडिंग एक प्रोसेस है असाइनिंग नेम दैट इज ब्रांड नेम साइन और सिंबल ब्रांड मार्क और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल क्या कहा जा रहा है ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को नाम देते हो जिसको ब्रांड नेम कहते हैं एक सिंबल देते हो जिसको ब्रांड मार्क कहते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन देते हो ब्रांड नेम भी देते हो ब्रांड मार्क भी देते हो है ना और क्यों देते हो ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को भरे मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ अ सेलर और अ ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू और डोमिनोज का साइन सिंबल अलग अलग है इस वजह से आप पहचान पाते हो कि हाँ भाई ये मैकडोनल्ड है किसी ने नहीं भी बताया तो भी अगर आपको बर्गर खाना है तो आप मैकडी चले जाओगे मैकडोनल्ड चले जाओगे क्यों क्योंकि आपको दुकान के आगे मैकडोनल्ड का ये साइन दिख रहा है या नाम दिख रहा है ब्रांडिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने ब्रांड को नाम देते हो ब्रांड नेम सिंबल देते हो ब्रांड मार्क या दोनों का कॉम्बिनेशन देते हो ताकि आपकी मार्केट में आपके ब्रांड की एक अलग पहचान बन जाए और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे ठीक है जिसमें सबसे पहला आता है ब्रांड मार्क बेटा ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट कैन बी रिकोगनाइज बट इज नॉट अटेरेबल आप ब्रांड मार्क को पहचान सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं आप लोग पहचान गए होंगे अब मैं बोलूंगा नहीं पहचान तो गए होंगे ठीक है ये ऑडी का ब्रांड मार्क है और ये नाइकी का ब्रांड मार्क है ब्रांड नेम क्या होता है ब्रांड ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ अ कैन बी स्पोकन जिसको आप लोग बोल सकते हो अब क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर के लगा हुआ है तो आप बहुत क्लियरली बता रहे हो कि हाँ भैया ये ऑडी की ही कार है और ये नाइकी का एयर शूज है ठीक है तो जिसको आप बोल सकते हो ब्रांड नेम ओके ठीक है ट्रेडमार्क की बात करते हैं यूज़ इन कंस्ट्रक्ट ऑफ़ अ रजिस्टर्ड चाहोगे या नहीं चाहोगे कि सबको यूज करने की परमिशन दे दोगे अगर मैं, मैंने ये मार्कर बनाया है और मेरे मार्कर का एक ब्रांड मार्क है ब्रांड नेम है तो मैं चाहूंगा कि इस मार्कर को बनाने की जो राइट्स है वो मेरे पास हो कोई और इस, ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम को यूज ना कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने ब्रांड मार्क को अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ ठीक है जिससे मुझे क्या मिल जाएगी जिससे मुझे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी क्या मिल जाएगी मुझे लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी मुझे मतलब मेरे प्रोडक्ट्स को लीगल प्रोडक्शन प्रोटेक्शन मिल जाएगी मेरे ब्रांड मार्क को और मेरे ब्रांड नेम को, कोई और यूज नहीं कर पाएगा मेरे परमिशन के बिना एक्सक्लूसिव राइट right मेरा हो जाएगा और जब किसी प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क मिल जाता है तो कुछ इस तरीके का ट्रेडमार्क होता है ट्रेडमार्क का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा लगता है और ऊपर से गोला सर किस किस चीज पे हम लोगों को ट्रेडमार्क मिल सकता है आप देखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है ठीक है उसका जो बॉटल है जो पैकेट है आप उसके शेप पे आप उसके नाम पे ट्रेडमार्क ले सकते हो कोई और आपके प्रोडक्ट के पैकेट के शेप को यूज नहीं कर पाएगा नाम को यूज नहीं कर पाएगा आप सिंबल यानी कि ब्रांड मार्क पे और उसके स्लोगन पे भी ट्रेडमार्क ले सकते हो आप अपने प्रोडक्ट के कलर पे भी ट्रेडमार्क ले सकते हो और आप अपने प्रोडक्ट के लोगो के टाइप पे कि भैया मेरा लोगो इस तरीके का है तो इसी तरीके का रहेगा आप इस पर भी ट्रेडमार्क ले सकते हो ट्रेडमार्क दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मैंने ट्रेडमार्क ले लिया है तो कोई और बिना मेरी परमिशन के मेरे ट्रेडमार्क का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि अब मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड हो चुका होगा यह होता है भैया ब्रांडिंग ब्रांडिंग के फायदे क्या है बड़ा सिंपल है सर ब्रांडिंग का फायदा यह है कि अगर मैं एप्पल का फोन खरीदता हूं आईफोन खरीदता हूं तो मैं उसकी क्वालिटी के लिए निश्चिंत रहूंगा मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्यों भैया क्योंकि मैंने एप्पल का आइटम लिया है तो मैं मतलब सोच के चलूंगा कि हाँ भैया उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी अब एप्पल का फोन है तो स्टेटस सिंबल भी है और मार्केट में अलग पहचान भी है क्योंकि आप देखेंगे तो एप्पल के फोन पे देखिए सैमसंग लिखा होगा एम पे पे लिखा होगा ओप्पो पे ओप्पो लिखा होगा लेकिन एप्पल के फोन पे कहीं भी एप्पल नहीं लिखा होता है बस एप्पल ये वाला जो साइन है ये बना होता है ठीक है और इसको देख के ही आप पहचान जाते हो कि ये भैया एप्पल का आई है तो प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट को नई पहचान मिले मार्केट में आपके प्रोडक्ट को कस्टमर आसानी से पहचान पाए ये भी ब्रांडिंग का ही अपना एक फायदा है चलिए ठीक है ओके अब सवाल ये है कि सर ब्रांडिंग से क्या फायदे मिलेंगे हमारे ओके चलिए सवाल ये ब्रांडिंग से क्या फायदे मिलेंगे हमारे देखिए कस्टमर को तो फायदे पता लग गए सर ये जो फायदे थे ना देखो बच्चों ये जो फायदे थे ये कस्टमर्स को थे यहां पे देखिए लिखा हुआ है ये जो फायदे थे ये कस्टमर को थे कि ब्रांडिंग का फायदा कस्टमर को क्या होता है लेकिन हम लोग को समझना होगा कि ब्रांडिंग का फायदा मैन्युफैक्चरर्स को भी है क्या है ब्रांडिंग का फायदा ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चरर्स को होगा क्यों होगा देखिए सबसे पहला आपके प्रोडक्ट को मार्केट में नई पहचान मिलेगी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कस्टमर जब आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेने जाएगा तो उसको आपके प्रोडक्ट को ढूंढना नहीं पड़ेगा वो कह सकता है कि मुझे एप्पल का चाहिए क्यों क्योंकि आपने नाम डाल रखा है वो कह सकता है मुझे वो वाला फोन चाहिए जिसपे एप्पल बना होता है क्योंकि आपने ब्रांड मार्क डाल रखा है प्रोडक्ट की मार्केट में अलग पहचान होगी प्रोडक्ट डिफ्रेंसियन आप एक ब्रांड नेम ब्रांड मार्क से एडवर्टीजमेंट तगड़े लेवल पे कर सकते हैं डिस्प्ले प्रोग्राम्स में काम आ सकता है डिफरेंशियल प्राइसिंग आप देखो बेटा एक नॉर्मल फोन लेने जाइए सैमसंग ओप्पो वीवो का बीस तीस हजार रुपए में मिल जाएगा और अच्छा फोन मिल जाएगा अच्छा मतलब जितने की, जितने की यूज आपको होगी उतने का मिल जाएगा लेकिन वही आप एप्पल का आईफोन पंद्रह जीबी वाला लेने जाएंगे तो डेढ़ लाख रुपए का पड़ेगा कहा तीस हजार कहा अगर आपका ब्रांड मार्केट में वेल स्टेब्लिश है तो आप अपने ब्रांड में प्रोडक्ट की प्राइस को हाई कर सकते हो बैग लेने जाओगे चार रुपए का भी मिलेगा जारा का बैग लेने जाओगे पचास का भी मिलेगा ठीक है प्राइस तय कर सकते हो डिफरेंशियल यानी कि मार्केट में ऐसा प्राइस किसी का ना हो आप तय कर सकते हो अगर आपका ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क स्टेब्लिश्ड ब्रांड है और इज इन द लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट अगर एक ब्रांड फेमस हो गया एक ब्रांड आपका सेट हो गया उसके बाद आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो उसी ब्रांड नेम के अंडर कैसे सर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं टाटा एक ब्रांड सेट हो गया टाटा के कितने प्रोडक्ट आते हैं बेटा टाटा मोटर्स टाटा टी टाटा नमक ताज होटल टाटा का, का, का जैगवा टाटा की ठीक है उसके अलावा क्या कहते हैं आ, और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा की टीसीएस चलो टाटा छोड़ दो टाटा तो चलो फेमस कंपनी है पतंजलि को देख लो पहले दवाइयां बनाते थे आयुर्वेदिक अब टूथपेस्ट पतंजलि का आ रहा है आटा पतंजलि का चावल पतंजलि का मसाले पतंजलि के कंज्यूमेबल आइटम्स बिस्किट नमकीन पतंजलि की आ रही है ठीक है दवाइयाँ पतंजलि की आ रही है फेस वॉश से लेकर स्किन केयर हेयर केयर बॉडी केयर हर चीज पतंजलि निकाल रही है चलो पतंजलि भी फेमस कंपनी है छोड़ दो अमूल की बात कर लो पहले मिल्क बेचते थे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अब मिल्क के सारे डेयरी के सारे प्रोडक्ट बेचते हैं पनीर भी बेचते हैं लस्सी भी बेचते हैं खीर भी बेचते हैं दही भी बेचते हैं खोया भी बेचते हैं तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर आपका ब्रांड स्टेब्लिश हो गया तो आप अपने एक ब्रांड के छत्रोछाया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो ठीक है भैया एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा एक अच्छा ब्रांड नेम जो मुझे लगता है जो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ हमेशा ही वो है एप्पल की तरह एप्पल क्यों क्योंकि बेटा एप्पल आप ब्रांड को देखो एप्पल जब एक बच्चा ज्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जाती है जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और मैं मानता हूं कि पहला जो क्लास होती होगी वो इंग्लिश की होती होगी या मैथ्स की होती होगी वन टू थ्री फोर बच्चे को बोलना सिखाया जाता है जो तो चार पांच साल का बच्चा होता है जो पहली बार स्कूल जाता है हम भी स्कूल गए थे तो हमने भी यही बोला था और इंग्लिश की बात की जाए तो रटवाया क्या जाता है ए फॉर बोलो बेटा ए फॉर बच्चा कहता है मैम एप्पल ए फॉर एप्पल पहला अक्षर ही पापा मम्मी बोलने के बाद बच्चा क्या बोलता है एप्पल ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ठीक है एप्पल एक ऐसा आसान सा शब्द है बच्चा भी बोल लेता है मेरे कहने का मतलब ये ठीक है तो आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए इजी होना चाहिए बोलने में याद रखने में एक बच्चा चार साल का एप्पल वर्ड याद रख लेता है तो हम लोग की तो बात ही अलग है तो कैसा होना चाहिए शॉर्ट हो छोटा हो इजी हो बोलने में आसान हो और याद करने में भी आसान हो ठीक है प्रोडक्ट के फंक्शन के आईफोन आईफोन से, तो से नहीं क्लियर होता है कि ये एक मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, हैं बताइए ठीक है क्लियर होता है ना तो वैसा कि भैया प्रोडक्ट के फंक्शंस को बताने वाला हूं मार्केट में कौन होगा जो इस सिंबल uh, को देख के नहीं बता पाएगा कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है यानी कि मार्केट में आइडेंटिफिएबल हो ईजली डिस्टिंगली आप इसको लेबलिंग कर सके पैकेजिंग में यूज कर सके कर सकते हैं ब्रांड एक्सटेंशन के लिए भी वर्सेटाइल ब्रांड नेम होना चाहिए यानी कि ऐसा ब्रांड नेम हो जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सको है एप्पल का आईफोन भी आता है आईपैड भी आता है टैबलेट्स भी आते होंगे uh, जो इयरफोन्स हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स वो भी आते हैं एप्पल की वॉच भी आती है एक कंपनी एप्पल प्रोडक्ट बहुत सारे तो वर्सेटाइल ब्रांड नेम होना चाहिए जो आप ब्रांड एक्सटेंशन में यूज कर पाए ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जो बहुत ही जल्दी आउटडेटेड ना हो जाए बहुत ही जल्दी मार्केट से बाहर ना चला जाए और ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जिसको आप रजिस्टर्ड करवा पाओ कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड करवा पाओगे तो और अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए ठीक है रजिस्टर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सोने पे सुहागा फिर आपका कोई और नाम यूज नहीं कर पाएगा तो ये होते हैं बेटा ब्रांड नेम तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलासफी पढ़ी मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलासफी के बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स को शुरू किया प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पैकेजिंग को पढ़ा फिर ब्रांडिंग को पढ़ा अभी ब्रांडिंग पढ़ रहे हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है लेबलिंग क्या है वो है लेबलिंग तो चलिए लेबलिंग को देखते हैं भाई लेबलिंग में मैं आपको ये मैगी का पैकेट क्यों दिखा रहा हूँ क्या मैं आपको मैगी खिलाने वाला हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सिर्फ पैकेट दिखा रहा हूँ और पैकेट दिखा रहा हूं इस वजह से ताकि आप लोग इस पैकेट को देख के समझ जाए कि लेबल्स क्या होते हैं लेबल्स का क्या फायदा होता है आगे से और पीछे से कुछ इस तरीके से आपको मैगी का पैकेट नजर आता होगा अगर आप फ्रंट इसका देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपको ब्रांड नेम नजर आ रहा है ठीक है आपको एक प्यारा सा स्लोगन नजर आ रहा है कि भैया दो मिनट में मैगी बन जाती है ठीक है कुछ लोग कहते नहीं बनती है मेरा मानना है कि थोड़ा सा आंच तेज कर दोगे तो बन जाएगी ठीक है तो दो मिनट में नूडल बन गए और बाकी फोटो है अच्छा फोटो तो मतलब जरूरी है फोटो दिखाओ आदमी को लालच दिलाओ कि खरीदो ऐसी मैगी बनाओ मटर अटर डाल के सबको अच्छी लगती है सत्तर ग्राम का पैकेट है ये भी लिखा हुआ आगे है आगे देखते हैं सर मेन बात क्या है मेन बात है इसके लेबल्स इसके द्वारा प्रोवाइड की हुई जानकारी अभी तो आपको यहाँ पे छोटा छोटा नजर आ रहा होगा मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए इन्होंने बताया है कि भैया टोमेटो है पीज है अनियन है इन्होंने बताया है कि ईच सर्व मैगी मसाला नूडल्स प्रोवाइड पंद्रह परसेंट ऑफ डेली है ना अच्छा इन्होंने यहाँ पे देखिए अपना एड्रेस दे रखा है एड्रेस के बाद इन्होंने एम आर पी लॉट नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट लाइसेंस नंबर लाइसेंस नंबर लाइसेंस नंबर लाइसेंस नंबर एल का मतलब प्राप्त किए होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशन की है जिसका नाम है नेस्ले इसके अलावा इनके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए और यहाँ पे फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एस 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 ए आई से भी इनको लाइसेंस मिला हुआ है सामान बेचने का तो वो लाइसेंस ये है साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बार कोड भी आपको नजर आ रहा है जिससे कि इस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और ये जो डब्बा आपको नजर आ रहा है ये है न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है न्यूट्रिशनल वैल्यू ये सारी जानकारी आपको क्यों प्रोवाइड करी जा रही है बेटा ये सारी जानकारी कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है मैं आपको बताता हूं जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो वहां पे एक राइट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी का अधिकार कस्टमर्स को सारी जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या सामान खरीद रहे हैं इसीलिए हर प्रोडक्ट के ऊपर मैगी का पैकेट इसलिए दिखाया क्योंकि मैगी फेमस है आप लोग मतलब अपनी रूटीन लाइफ में इसको यूज करते हो और देखते भी होंगे ध्यान से पढ़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूँ ये देखिए मैगी के पैकेट पे यहाँ पे इनके नूडल्स में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं देखिए इन्होंने साफ साफ डिस्क्लोज कर रखा है अगर आपको जानना है कि मैगी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं तो नूडल्स में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो सॉल्ट व्हीट एडिबल वेजिटेबल ऑयल ग्लूटेन मिनरल गुआरगम मसाला टेस्ट मेकर जो इनका सिल्वर कलर का पैकेट होता है जिसके अंदर छोटा सा होता है जिसके अंदर मसाला होता है मैगी मसाला जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं पढ़ के देख सकते हैं चिली पाउडर स्पाइसिस कार्डमम शुगर एडिबल ऑयल सॉल्ट एसिडिफाइंग एजेंट फ्लेवर एनहेंसर रेजिंग एजेंट और इन्होंने ये भी लिखा है कि भैया इनके मैगी के मसाले में परमिटेड नेचुरल कलर्स भी हैं ठीक है नेचुरल कलर्स भी मैगी में आपके यहां पे पाए जाते हैं अगर मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करता हूँ कि अगर आप मैगी खाएंगे तो आपको क्या न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो वो भी देख सकते हो पर सौ ग्राम पे आपको एनर्जी मिलेगी चार कैलोरी की प्रोटीन मिलेगा नाइन पॉइंट दो ग्राम का कार्बोहाइड्रेट फाइव फिफ्टी एट पॉइंट नाइन शुगर वन पॉइंट टू फैट फोर्टीन पॉइंट फोर कैल्शियम एक सौ साठ एम पोटेशियम तीन सौ सत्रह पॉइंट तीन एम जी ये सारे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैगी वाले कहते हैं कि अगर सौ ग्राम मैगी खाओगे तो ये सारे तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेंगे अगेन मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि एवरी थिंग इज डिस्कलोज एवरी डिटेल रिगार्डिंग टू अ प्रोडक्ट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इट्स इन्ग्रीडियंट्स एवरीथिंग इज डिस्कलोज टू अ कंज्यूमर ताकि कंज्यूमर अपने राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर पाए वो सारी जानकारी ले अगर किसी को मैं कहता हूं मान लेते हैं मान लेते हैं किसी को ब्लैक पेपर से समस्या है तो मत खाओ मैगी इसलिए लिखा हुआ है कि भैया ब्लैक पेपर से एलर्जी है मान लीजिए आपको मान लीजिए किसी को है तो वो ना खाए मैगी क्योंकि इन्होंने इनका काम है बताना इन्होंने बता दिया अब देख के पढ़ के समझ के खाना वो आपका काम है चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आ, कि ये टॉपिक है क्या ये टॉपिक जो मैं आपको अगला पढ़ाने वाला हूं ये है लेबलिंग क्या है अगला टॉपिक लेबलिंग ठीक है तो लेबलिंग क्या होता है बेटा बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि लेबलिंग अगेन आईएनजी लगा हुआ है तो लेबलिंग भी एक प्रोसेस है जहां पे हम एक लेबल डिजाइन करते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए एक सिंपल टैग भी लेबल हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक भी लेबल हो सकता है मैगी का जो आपने ग्राफिक देखा वो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल नहीं है और अगर आप शर्ट खरीदने जाएंगे तो यहाँ पीछे कॉलर पे एक लेबल लगा होता है वो सिंपल टैग है अगर आप पानी की बोतल देखते हैं किनली की या बिस्लेरी की तो उसके बीचों बीच यहां पे पानी की बोतल के बिल्कुल बीचों बीच यहां पे एक लेबल लगा होता है ठीक है उस लेबल पे आप देखें क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको आपको ब्रांड का लोगो मिल जाएगा बिस्लेरी का लोगो मिल जाएगा आपको जिसमें आपको ब्रांड मतलब ब्रांड का लोगो क्यों है और नाम क्यों है ताकि आपको ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले पानी में भी अपने न्यूट्रिशनल फैक्ट है होते हैं तो अगर आप आ, उठा के देखेंगे वो बॉटल तो लीगल डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पे नजर आएगा प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलेगा कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी टैगलाइन अगर की, उस की अपनी कुछ है तो वो आपको पहचान मिल जाती है ठीक है तो वो भी यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए तो अब ये देखिए मेरे पास एक खाली सी बोतल है और ये बिस्लेरी की है तो अपना इसमें देखिए चारों ओर क्या है कि टैग है अब अगर इसमें पढ़ लेंगे तो भाई बिस्लेरी लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया कि ये देखिए लोगो है ठीक है लोगो है देखने में बॉटल जो है वो असली ही लग रही है जैसे ये लोगो और इधर आएंगे तो देखिए ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है है ना तो यहाँ पे अगर मैं पढ़ के बताऊँ आपको तो पूरी डिटेल है इन्ग्रीडियंट्स ट्रीटेड वाटर मिनरल्स कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम एडेड क्वान्टिटी पर हंड्रेड एम ट्रेडमार्क एंड ब्रांड ओनर बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फिर उन्होंने डेट लिखी है मैन्युफैक्चरिंग की

हैश टैग ड्रिंक टे इनकी टैगलाइन है तो देखिए सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था और ट्रस्टेड ट्रस्टेडीन सिक्सटी नाइन लिखा हुआ है कि भैया 1969 से हमारी बोतल से पानी पिया जा रहा है ठीक है तो सिंपल कहानी ये है कि भैया ये होता है लेबल लेबल जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं कि लेबलिंग के क्या बेनिफिट्स क्या फंक्शन होते हैं कुछ ऐसे लेबल्स भी आपने देखे होंगे जो शर्ट वगैरह पे लगाए जाते हैं लेबल के कुछ फंक्शन है सबसे पहले प्रोडक्ट के इतना एक्सप्लेन कर दिया बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट के कंटेंट्स uh, को डिस्क्राइब करना प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से पहचान दिलवाना प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करवाना ग्रेडिंग यही होता है बेटा ग्रेडिंग का मतलब यह है कि लेबल के द्वारा आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की टी शर्ट कौन है है ना साइज uh, क्या है ठीक है मैं कहता हूं मान लीजिए लार्ज साइज की सारी टी शर्ट अलग कर लो स्मॉल की अलग कर लो डबल एक्सेल की अलग कर लो एक्सेल की अलग कर लो तो ग्रेडिंग का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटी फीचर साइज प्रोडक्ट का प्रमोशन करना और कानून के द्वारा अगर कोई जानकारी देने के लिए कहा गया है तो वो भी देना जैसे बेटा सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग कॉजिस कैंसर मतलब सिगरेट पीने से आपको कैंसर का रोग हो सकता है कर्क रोग हो सकता है मतलब तंबाकू से थोड़ा दूर रहें टोबैको से दूर रहें सिगरेट का सेवन ना करें डब्बे पे ही लिखा है ठीक है लोग पी रहे हैं वो एक अलग कहानी लेकिन लिखा है कानून के द्वारा ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कहा जाता है आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी को खैर तो लेबलिंग के अपने कुछ फंक्शन होते हैं पहला फंक्शन है प्रोडक्ट के और उसके कंटेंट के बारे में लोगों को जानकारी देना दूसरा फंक्शन है लेबल से प्रोडक्ट की पहचान हो सकती है तीसरा फंक्शन है प्रोडक्ट की ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन करना चौथा फंक्शन है प्रोडक्ट का प्रमोशन करना और पांचवा फंक्शन है कानून के द्वारा दी हुई किसी भी इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाना तो बेटा अब मैं आपके आपसे दावे के साथ कहता हूं कि जो आपका प्रोडक्ट मिक्स चल रहा था ना वो अब फिनिश हो चुका है आप लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स के सारे पार्ट्स को कवर कर लिया आप लोगों ने पैकेजिंग देखा आप लोगों ने लेबलिंग देखा आप लोगों ने ब्रांडिंग देखा चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट मिक्स पे जिसका नाम है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स या ठीक है बढ़िया तो मैं आपको ले आता हूं प्लेस मिक्स के पास और बेटा प्लेस हम लोग वैसे इसको क्या लो इसको क्या कहते कहते हैं हैं हम लोग ठीक है, place mix, है? Place. अब place mix के अंदर physical distribution, inventory control ये सारी चीजें आती है एक बार देखते हैं भैया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा हिसाब किताब है गुड्स चलेंगे सप्लायर तक सप्लायर रॉ मटेरियल देगा मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर सामान बनाएगा पहुंचेगा होलसेलर के पास होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर सामान कंज्यूमर तक पहुंचाएगा सिंपल सी बात है सप्लायर कहीं और बैठा है मैन्युफैक्चरर कहीं और बैठा है कंज्यूमर कहीं और बैठा है ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए कंज्यूमर तक सामान पहुंचाना ये प्लेस मिक्स का काम होता है प्रोडक्ट मिक्स का काम क्या बताया ब्रांडिंग लेबलिंग पैकेजिंग प्लेस मिक्स का काम आसान भाषा में समझा रहा हूं सप्लायर से कस्टमर तक सामान पहुंच जाए ये देखने का काम प्लेस मिक्स का होता है बेटा अगर मैं आपसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं देखिए अगर मैं बात करता हूं प्लेस मिक्स की तो देखिए प्लेस मिक्स में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि आपके ऑर्डर्स को प्रोसेस करना जो भी आपने ऑर्डर दिया है दूसरा है इन्वेंट्री कंट्रोल ठीक है कि भैया जो भी मेरा वेयर हाउस है वहां पे इन्वेंट्री मेरी कंट्रोल में रहे तीसरा मैं कहूंगा होता है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा जो होगा वो होगा वेयर हाउसिंग ये चार पांच इसके फंक्शन है चौथा क्या है वेयर हाउसिंग जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है तो हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती हैं इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट द राइट प्लेस राइट टाइम फैसिलिटेट इट्स देखिए क्या बोला जा रहा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जिनसे हमारा सामान हमारे कस्टमर तक पहुंच पाता है सामान अवेलेबल हो पाता है सही जगह पे सही टाइम पे और सही कंडीशन में राइट प्लेस राइट टाइम राइट कंडीशन ताकि कस्टमर हमारे सामान को खरीद सके सही समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है नहीं तो कस्टमर कैंसिल कर देगा अपना ऑर्डर पता चला किसी को लहंगा खरीदना है उसकी शादी है दो दिन बाद लहंगा दे रहे हो पांच दिन बाद कोई फायदा नहीं लहंगे का तो वो लड़की ना पैसे देगी और मतलब समझ लो थोड़ा अलग से होगी राइट right प्लेस सही जगह पे सामान पहुंचना बहुत जरूरी है पता चला मैंने सामान ऑर्डर किया है पहुंच गया मेरे पड़ोसी के यहाँ वो भी मेरे किसी काम का नहीं है और सही कंडीशन में पहुंचना बहुत बहुंच जरूरी है टीवी है तो टीवी चलती हुई मतलब मतलब सही साबुत मिले कांच टूटा हुआ होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा राइट टाइम राइट प्लेस एंड राइट कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोगों को मेजरली पढ़ना होता है वो है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो ये एक बार देखेंगे ओके okay. देखो बेटा आपको आसान भाषा में सबसे पहले एक ये चार्ट दिखाता हूं है ना जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है चार्ट देखिए ये देखिए इस चार्ट को आप लोग देखेंगे बहुत आसानी से आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ जाएंगी देखिए जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर को सामान बेच देता है तो उसे हम लोग जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं जब मैन्युफैक्चरर अपना सामान डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच दे बीच में कोई ना हो तो जीरो लेवल मैन्युफैक्चरर सामान बेचे रिटेलर को रिटेलर बेचे कंज्यूमर को इसको हम लोग वन लेवल कहते हैं क्योंकि यहां पे एक आदमी बीच में आ गया है रिटेलर मैन्युफैक्चरर सामान अपना बेचता है होलसेलर को होलसेलर बेचता है रिटेलर को रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को इसको हम लोग टू लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि यहां पे दो लोग बीच में आ गए पहला होलसेलर

वन टू और थ्री लेवल को इनडायरेक्ट चैनल बोला जाता है वन टू और थ्री लेवल को इनडायरेक्ट चैनल भी बोला जाता है समझ गए इनडायरेक्ट चैनल भी बोला जाता है समझ गए बच्चों तो अगर एक को कोई भी आदमी बीच में नहीं आएगा तो जीरो लेवल एक बीच में आएगा रिटेलर तो वन लेवल दो लोग बीच में आएंगे होलसेलर रिटेलर तो दो लेवल और अगर तीन लोग बीच में आएंगे होलसेलर एजेंट रिटेलर तो थ्री लेवल

थ्री लेवल किसको बोला जाता है थ्री लेवल बोला जाता है जहां पे तीन लोग बीच में आ जाएं एजेंट होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर ठीक है इसको कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब जब इतना पढ़ लिया तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दैट एक्ट एज देखिए क्या कहा जा रहा है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो इंडिविजुअल्स हैं वो फर्म्स हैं जो इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजेंट होलसेलर रिटेलर जिनका काम ये होता है कि वो हमको हेल्प करे सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में दैट हेल्प टू ट्रांसफर ओनरशिप टू बायर एंड ऑल्सो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट देखो बेटा जब सामान मैन्युफैक्चरर का है तो ओनर कौन मैन्युफैक्चरर जब वो रिटेलर के पास पहुंचा तो ओनर कौन रिटेलर जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचा तो ओनर कौन हुआ कंज्यूमर सिंपल सी बात यह है कि ओनरशिप को ट्रांसफर करना और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी हेल्प करने का काम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का होता है जिनको भी कहा गया तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्राइस मिक्स है ना हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स देखा हम लोगों ने प्रमोशन मिक्स देखा चलिए बात करते हैं अब हम लोग प्राइस मिक्स के बारे में बेटा प्राइस मिक्स में आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस एक कंपनी है सोचिए मेरी ठीक है मेरी कंपनी है मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस रेट में बेचूंगा यह मेरे लिए एक दुविधा का विषय है दुविधा है कंफ्यूजन होगा जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का जब भी कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखती है वो फैक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में हमें बात करना है और सबसे पहले प्राइस क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा प्राइस बच्चों वो मॉनिटरी वैल्यू होती है मॉनिटरी वैल्यू यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो पैसा वो पैसा जो कि पेड इन कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय बायर टू इट सेलर वो मॉनेटरी वो मॉनेटरी वैल्यू जो पे की जाती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए और सर्विस को अवेल करने के लिए बायर से सेलर तक पहुंचता है यानी कि जब बायर वो पैसा सेलर को देता है तो हम लोग उस मॉनेटरी वैल्यू को प्राइस कहते हैं बच्चों ये है प्राइस डिटर्मिनेशन के कुछ फैक्टर्स इन पे एक बार नजर मारिए आई एल बी बैक इन थर्टी सेकेंड्स चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं यार दोबारा से और देखते हैं कि भैया कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं सबसे पहला बेटा आता है कॉस्ट ऑफ़ द प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा कंपनी का आ रहा है सिंपल है कि अगर कॉस्ट ज्यादा है तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा और अगर कॉस्ट कम है तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा ठीक है ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा हूं कि मेरे अलावा कोई और नहीं दे रहा है और कस्टमर को बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से तो मैं थोड़ा सा स्लाइटली प्राइस बढ़ा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कस्टमर मेरे सामान को वैसे भी पसंद कर रहा है तो खरीद लेगा तो यूटिलिटी अगर ज्यादा है तो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर यूटिलिटी कम है तो मैं अपने प्राइस का प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस मैं घटा दूं तो ये बहुत अच्छी बात मेरे लिए हो जाएगी भाई यूटिलिटी कम है यूटिलिटी ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा यूटिलिटी कम है तो प्राइस कम होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए ठीक है तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं कॉस्ट ज्यादा तो प्राइस ज्यादा कॉस्ट कम तो प्राइस कम यूटिलिटी की बात करूं तो यूटिलिटी ज्यादा वांट ज्यादा ज्यादाफाई कर रहा है मेरा प्रोडक्ट तो प्राइस बढ़ा सकता हूं वांट कम कर रहा है मेरा प्रोडक्ट तो मैं अपने प्राइस को घटा भी सकता हूं अगर प्राइस को नहीं घटाऊंगा तो कोई खरीदेगा भी नहीं लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट देखिए बेटा मुझे जिस मार्केट में मैं हूं उस मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिशन अगर बहुत ज्यादा है और मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा जाद कर दूंगा तो लोग मुझसे सामान नहीं खरीदेंगे तो सिंपल है अगर कॉम्पिटिशन अगर कंपटीशन मेरे प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा है तो आ, मुझे अपना प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि लोग मेरे सामान को खरीद सकें ठीक है जैसे जियो ने किया हाँ अगर कंपटीशन कम है अगर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है इन दैट केस मैं क्या करूँगा प्राइस थोड़ा बढ़ा सकता हूँ अगर मैं अपने मार्केट का इकलौता राजा हूँ कोई कॉम्पिटिशन मेरे अगल बगल नहीं टिकता है तो मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो भी लोग मुझे से सामान खरीदेंगे क्योंकि मैं अकेला मोनोपोली में काम कर रहा हूं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन बेटा ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस तय करने में गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस भी हैं जिनको हम लोग मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना एमआरपी वगैरह भी बोलते हैं तो गवर्नमेंट की अपनी रेगुलेशंस हैं एसेंशियल कमोडिटीज अगर जैसे हो गई जैसे कि आप बेचते हो गेहूं या आप बेचते हो खाने पीने के आइटम या आप बेचते हो नमक या आप बेचते हो तेल या आप बेचते हो प्याज वगैरह

जो शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, जिनको ज्यादा लंबे समय में पैसा कमाना है देखिए अगर बेटा मेरी कंपनी को ज्यादा लंबे समय में पैसा कमाना है सालों साल पैसा कमाना है तो इनिशियली ब्रांड को लॉन्च करते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए मुझे प्राइस को थोड़ा कम रखना पड़ेगा तभी वो लोगों के बीच में फेमस होगा तो लॉन्ग रन में पैसा कमाना है तो प्राइस को थोड़ा कम करके चलो लेकिन अगर मेरी कंपनी को बिल्कुल भी सबर नहीं है, मुझे सारा पैसा आज ही कमा लेना है दो महीने में तीन महीने में चार महीने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं है, तो आप प्राइस को बढ़ा के चलिए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर लंबा, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा कम समय में पैसा कमाने की इच्छा हो रही है आपको तो शॉर्ट रन प्राइस को थोड़ा बढ़ा के चलिए ठीक है मार्केटिंग मेथड यूज अगर आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं अगर आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देते हैं अपने कस्टमर्स को अगर आप क्रेडिट पे सामान बेचते हैं ये सब कुछ भाई मैं बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं एडवर्टीजमेंट में कंपनी का बहुत खर्चा होगा जो भी जो कि अल्टीमेटली कंपनी कस्टमर से ही वसूलती है तो इन दैट केस प्राइस भी ज्यादा चार्ज होगा एंड बाइसे वर्षा कि अगर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं अगर मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं अगर मैं क्रेडिट पर सामान नहीं बेच रहा हूं तो इट्स ओके इट्स ओके टू लिमिट योर प्राइस और अगर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है बहुत डिस्काउंट दे रहा हूं बहुत क्रेडिट दे रहा हूं तो वो भी पब्लिक से ही वसूलती है कंपनियां तो मैं अपने प्राइस को क्या कर दूंगा बढ़ा दूंगा तो कॉस्ट ज्यादा प्राइस ज्यादा कॉस्ट कम प्राइस कम यूटिलिटी ज्यादा प्राइस ज्यादा यूटिलिटी कम प्राइस कम कॉम्पिटिशन ज्यादा प्राइस uh, कम कॉम्पिटिशन कम प्राइस ज्यादा इसके बाद एम आरपी असेंशियल कमोडिटीज का गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन लॉन्ग रन में प्राइस कम शॉर्ट रन में प्राइस ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट प्राइस ज्यादा डिस्काउंट क्रेडिट कम price कम प्राइस ठीक है बच्चों चलिए तो ये हो गया हमारा प्राइस मिक्स और और अब आगे बढ़ते हैं हैं बात करते हैं, हम लोग अपने लास्ट मिक्स के बारे में जिसका नाम है प्यारा सा क्या नाम है प्रमोशन मिक्स तो भैया प्रमोशन का क्या मतलब होता है चिल्ला चिल्ला के लोगों को ये बताना कि देखो भैया ये हमारा प्रोडक्ट है आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है आइए और इसको ठीक है जिसमें चार एलिमेंट्स आते हैं सबसे पहले हम लोग प्रमोशन प्रमोशन का मतलब समझते हैं हैं के अंदर वो सारी की सारी की ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो मार्केटर के द्वारा की जाती हैं प्रमोशन रिफर्स सेट एक्टिविटीज ताकि वो अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को क्या कर सके अपने सामान के बारे में बता सके एंड उनको डेम टू मेक द परचेज ठीक है क्या बोला जा रहा है प्रमोशन रिफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज प्रमोशन के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटीज आती है गतिविधियां आती हैं जो एक मार्केटर के द्वारा परफॉर्म की जाती है जिसमें एक मार्केटर अपने बायर्स को इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट के बारे में और उनको परसुएट करता है मनाता है कि आप मेरा सामान खरीदिए मेरा अगर मैं मार्केटर हूं तो मैं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताऊंगा भी और उनको मनाऊंगा भी कि अरे भैया एक बार तो मेरा सामान खरीद के खरीदो पर होता है आपका एडवर्टीजमेंट एक होता है पर्सनल सेलिंग एक होता है सेल्स प्रमोशन और एक होता है पब्लिक रिलेशन डायरेक्ट मार्केटिंग आप लोग को नहीं पढ़ना है आप एडवर्टीजमेंट पे फोकस करें सेल प्रमोशन पे फोकस करें पर्सनल सेलिंग पे फोकस करें और पब्लिक रिलेशन पे फोकस करें सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ाऊंगा दूसरे नंबर पे पर्सनल सेलिंग तीसरे नंबर पे सेल्स प्रमोशन और चौथे नंबर पे आप लोग को पब्लिक रिलेशन पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं भैया एडवर्टीजमेंट तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि टीवी पे ऐड आते हैं रेडियो पे आते हैं न्यूज पे आते हैं हर जगह एड ही ऐड है एड ही ऐड है टीवी पे आप पिक्चर देखने बैठ जाओ पागल हो जाएंगे तीन घंटे की पिक्चर पाँच घंटे में खत्म होगी क्यों ब्रेक दे देके ब्रेक दे देके के इतना एडवर्टीजमेंट इतना एडवर्टीजमेंट की देखने का मन ही नहीं करता है ठीक है क्यों नहीं करता है ठीक है क्योंकि भैया टीवी में पिक्चर से आता तो एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं न्यूज़ पेपर उठा के देख लीजिए कोई भी पहले पन्ने में एडवर्टीजमेंट आखिरी पन्ने में एडवर्टीजमेंट बीच में एडवर्टीजमेंट चार न्यूज़ के बाद एक और एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टीजमेंट आपको हर जगह ही नजर आ जाएंगे रेडियो पे भी यही सीन है गाने कम सुनाते हैं बातें ज़्यादा करते हैं ठीक है है ना मेजरली आदमी गाने सुनने के लिए रेडियो सुन रहा है तो उसमें एडवर्टीजमेंट तो एडवर्टीजमेंट खैर उसमें कुछ गलत नहीं है सब कुछ सही है मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस तो एडवर्टीजमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे तो कस्टमर को पता भी नहीं चलेगा ना कि क्या सामान मार्केट में आ रहा है तो एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यानी कि सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को, को पैसा देना पड़ता है यानी कि फ्री में नहीं हो रहा है पेड फॉर्म है पैसा देना पड़ेगा दूसरा फीचर है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन देखिए अगर सलमान खान साहब आपकी टीवी पे आके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि थम्स अप टेस्ट द थंडर तो वो आपसे पर्सनली घर आके नहीं मिल रहे हैं। वो आपकी टीवी पे आ रहे हैं। मास कम्युनिकेशन कर रहे तो पेड फॉर्म इंपर्सनल। इंपर्सनल का मतलब है कि नॉन पर्स आप इमल को नॉन पर्सनल कह कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे पर्सनली आके नहीं मिल रहे हैं। पूरी टीवी पे यानी कि मास कम्युनिकेशन का टूल है एडवर्टीजमेंट क्या है मास कम्युनिकेशन का एक टूल है बेहतरीन टूल है है ना

Objections का मतलब बेटा ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं Objections का मतलब विरोध यानी कि और आसान भाषा में बोला जाए तो अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट अगेंस्ट में भी कुछ बातें हैं सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई कंपनी लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट करती है तो उस एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी वो कंपनी पब्लिक से वसूलती है तो उससे कॉस्ट बढ़ती है जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है ठीक है अंडरमाइंड सोशल वैल्यूज सोशल वैल्यूज कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं होते हैं और जिनसे इंफीरियर प्रोडक्ट भी इनकरेज हो जाते हैं देखिए अच्छा सामान है तो एडवर्टीजमेंट करो कोई समस्या नहीं है मगर बेकार सामान का भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है दिक्कत वहां पे है तो इन्फीरियर आइटम्स की भी सेल प्रमोट हो जाती है कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं बेटा जो बैड टेस्ट के होते हैं यानी कि जो जैसे आप कह सकते हो कि भाई टीवी पे आ रहा है तो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पाएंगे ठीक है कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं जो आ, हमको अनकंफर्टेबल करते हैं है ना तो ऐसे एडवर्टीजमेंट के विरोध में बातें होती हैं कि इज नॉट राइट और बेटा देखो भी कहता है दांत चमकाएं हमारे दांत सब सबसे सफेद हो जाएं जो अगर आप एप्सोर लगाओगे कोलगेट वाले भी यही कहते हैं मेसाक वाले भी यही कहते हैं इससे बाहर क्या होता है बेटा कंफ्यूज होता है सारे ब्रांड सिमिलर क्लेम्स करते हैं जिससे कि कंफ्यूजन हो जाता है हमारे बायर्स को तो ये है एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्शन ये हैं फीचर्स पढ़ा दिया है अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट के रोल के बारे में ठीक है जैसे कि कुछ एडवर्टीजमेंट क्या है देखिए घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें अब इन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं देखिए इन्होंने क्या बोला कि महाशक्तिशाली महाशक्तिशाली का मतलब सिंपल है कि हमारा जो डिटर्जेंट है ये महाशक्तिशाली है और न्यू इंप्रूव का मतलब है कि भैया पहले से अब और भी अच्छा तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको एडवर्टीजमेंट डेली बेसिस मिलते रहते होंगे इमोशनल फैक्टर भी डाला जाता है एडवर्टीजमेंट करते समय जैसे कि बिस्किट के पैकेट के ऊपर लिख देना मॉम्स मैजिक मतलब बिस्किट से मॉम्स मैजिक का क्या लेना देना है बट फिर भी इमोशनल uh, एलिमेंट भी जोड़ा जाता है भरोसा दिलाने की कोशिश भी की जाती है ठीक है कि कस्टमर कम से कम भरोसा भरोसा करके एक बार तो खरीदे हमारा आइटम तो ऐसा ठीक है तो एडवर्टीजमेंट के रोल क्या है कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना ब्रांड के ओल्ड और नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में डिमांड क्रिएट करना बायर्स के दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ाना अगर आप देखते हो बेटा कोको कोला की हर मिनट में टीवी क्या खोल लो कोको -को, को कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो इतना हेवी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कंज्यूमर्स के दिमाग में ये बात बैठ गई है घड़ी डिटर्जेंट को लेकर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ठीक है क्यों क्योंकि इतनी बार वो एडवर्टीजमेंट देख लिया है ना कि अब दिमाग में ना याद हो गई है वो चीजें और वो उनका जो वो है ना एडवर्टीजमेंट बड़ा मतलब ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट है कि चार पांच महिलाएं खड़ी हैं खड़ी हैं उनकी साड़ी के सामने से एक ऐसे घड़ी गुजरता है और साड़ी सबकी चमक जाती है या सब लोग की शर्ट होती है तो शर्ट चमक जाती है ठीक है शर्ट धूप में सूख रही है घड़ी निकला और एकदम सफेद हो गई शर्ट समझ रहे हो तो उस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट दिमाग में बैठा दिए गए बचपन से देख रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं और हैवीली एडवर्टीज एडवर्टाजिंग हो रही है तो कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड जो है वो इंक्रीज करना कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंट बढ़े इसके लिए वो रिपीटेड एडवर्टीजमेंट करते हैं मार्केट में कंपनी की पब्लिक इमेज को और बेहतर करना ठीक है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की भैया एडवर्टीजमेंट होगा तो देखिए हमारी देश में कुछ भी होगा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो जनरेट होंगी ही होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने का काम भी हमारे एडवर्टाइजमेंट का ही होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है पर्सनल सेलिंग देखिए पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल अपोजिट है एडवर्टाइजमेंट नॉन पर्सनल था पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेलर एंड द बायर ठीक है यहां पे सेलर जो होता है वो कस्टमर्स से डायरेक्टली जाके मिलता है और उनको सामान बेचता है जैसे आपके घर पे भी कुछ लोग आते होंगे नॉक करने और फिर अपना सामान बेचने के लिए कहते होंगे जब आप पर्सनली मिलोगे तो उसे पर्सनल सेलिंग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट का बिल्कुल उल्टा है एडवर्टीजमेंट में कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन होती है जनता तक बात पहुंचती है पर्सनल सेलिंग में वन टू वन मैन टू मैन कम्युनिकेशन होती है पर्सनल सेलिंग फ्लेक्सिबल टूल है कम्युनिकेशन का और डायरेक्टली फीडबैक मिलता है प्रोस्पेक्टिव बायर से फ्लेक्सिबल है यानी कि जब मर्जी चाहो प्रमोशन करो जब मर्जी चाहो ना करो तुम्हारा मन और जो बायर है वो हमको डायरेक्टली फीडबैक दे सकता है है कि हाँ भाई देख तेरा प्रोडक्ट में ये कमी है. और क्योंकि कस्टमर से डायरेक्टली फीडबैक मिलता है तो मार्केटर उनको सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं इंप्रूव करने की कोशिश भी कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग के फीचर्स क्या है ये एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है यानी कि वन टू वन कम्युनिकेशन है और क्योंकि बायर और सेलर का रोजाना मिलना जुलना होता है तो कंपनी और सेलर के बायर के बीच में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द बायर ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज की ठीक है बेटा सेल्स प्रमोशनल नाम से पता देखिए एडवर्टीजमेंट नाम से पता लग रहा है प्रचार प्रसार पर्सनल सेलिंग नाम से पता लग रहा है कि भाई पर्सनली जाके सामान बेच रहे हैं सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज या सेल प्रमोशनल टेक्निक्स नाम से पता लग रहा है ऐसी टेक्निक्स जो कि हमारी सेल को प्रमोट करने के लिए सेल को बढ़ाने के लिए करी जाती हैं ऐसी जो टेक्निक्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं यानी कि थोड़े समय के लिए होती हैं सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द मार्केटर्स टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए मार्केटर के द्वारा सेल प्रमोशनल टेक्निक्स शॉर्ट टर्म इंसेंटिव को अपनाया जाता है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव क्या है वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कैशबैक्स मिलना डिस्काउंट मिलना फ्लैट 50 परसेंट ऑफ 20 परसेंट ऑफ 30 परसेंट ऑफ लकी ड्रॉ मिलना वाउचर मिलना कूपन मिलना ऐसी टेक्निक्स को सेल प्रमोशन टेक्निक्स बोला जा रहा है जिसमें कि कॉमनली यूज सेल प्रमोशन एक्टिविटीज क्या क्या है बेटा अपने कस्टमर्स को रिबेट देना डिस्काउंट देना प्रोडक्ट परचेज करने पे उनको रिफंड प्रोवाइड करना कि भैया पहले आपने सौ रुपए दे दिए और हमने आपको पचास रुपए वापस कर दिए प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि फोन के साथ चार्जर फ्री ठीक है आ, आप कह सकते हो जूस के साथ लेस फ्री ऐसे अपने प्रोडक्ट्स अपने कंज्यूमर्स को गिफ्ट का लालच देना कि अगर आप करेंगे पांच हजार रुपए की शॉपिंग तो आपको मिलेगा साढ़े चार सौ रुपए का एक बेडशीट मुफ्त आप साढ़े चार सौ रुपए की बेडशीट खरीदने के लिए बंदा पांच हजार रुपए की शॉपिंग मतलब की करके आएगा नहीं भी खरीदना तो भी खरीद लेगा इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट की भैया सौ लोगों से लकी ड्रॉ करवाया ठीक है और गिफ्ट मिल गया यूजेबल बेनिफिट यानी कि आपको दे दिया कि भैया अगर आप हमारे यहां से दस हजार रुपए की शॉपिंग करेंगे तो आप मौका पाएंगे गोवा के थ्री डेज टू नाइट ट्रेवल पैकेज का यूजेबल बेनिफिट है ना अब गोवा के थ्री डेज टू नाइट वाले पैकेज के लिए फ्री में बंदा दस हजार रुपए की शॉपिंग करेगा और इनाम खुल गया तो खुल गया नहीं खुला तो नहीं खुला फुल फाइनेंस एट द रेट जीरो परसेंट कि भाई फोन हमारे यहां से किस्तों पे खरीदें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा जीरो परसेंट इंटरेस्ट पे हम आपको फोन मुहैया करवा रहे हैं दे रहे हैं हमारे यहां से हमारी दुकान से फोन खरीदें सैम्पलिंग शैम्पू की बोतल खरीदने बाद में आइएगा पहले ये लीजिए शैम्पू का पाउच और बालों में लगा के देखिए कि हमारा शैम्पू कैसा है यानी कि एक सैंपल देना अपने कस्टमर को कि जा भाई घर पे यूज करके आ तेरे को अच्छा लगता है तो आके बोतल खरीद लियो फिर आता है कंटेस्ट कंटेस्ट यानी कि मॉल है मॉल में दस बारह लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग को गाना गाना है जो सबसे बढ़िया गाना गाएगा उसको इनाम मिल जाएगा ऐसी सेल प्रमोशनल टेक्निक्स आप लोगों ने मॉल्स में स्टोर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वी मार्ट और ये जितनी भी चीजें यहां पे जरूर से जरूर देखी होंगी बच्चों ये तो हो गई सेल प्रमोशनल टेक्निक्स इसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है पब्लिक रिलेशन नाम से समझ में आ रहा है कंपनी के रिलेशंस पब्लिक के साथ कैसे हैं कैसे होने चाहिए अच्छे होने चाहिए ठीक है तो फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है पब्लिक रिलेशन का ठीक है जो हमारा फोर्थ आ, एलिमेंट है पॉइंट नहीं कहेंगे जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है एडवर्टीजमेंट में वो होता है पब्लिक रिलेशन का ठीक है बच्चों तो इसको एक बार फटाफट -फड़ से देखिए चलते हैं भाई तो बात कर लेते हैं जल्दी से अपने पब्लिक रिलेशन के बारे में तो बेटा सिंपल सी बात है पब्लिक रिलेशन के अंदर वो सारी की सारी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो एक कंपनी करती है पब्लिक से अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए पब्लिक रिलेशन रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक पब्लिक और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन रहे अगर संवाद अच्छा होगा तो रिश्ते भी अच्छे होंगे कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो रिलेशंस भी अच्छे होंगे ठीक है तो ऐसी सारी एक्टिविटीज जो एक एक कंपनी और पब्लिक के बीच में की जाती हैं कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए उसे हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं अब इससे क्या होता है ध्यान से समझिएगा कम्युनिकेशन रहती है बढ़िया तो कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में फैलती है कंपनी की गुडविल बढ़िया होती है और कंपनी की रेप्युटेशन भी मार्केट में इंक्रीज होती है तो ये इसके कुछ फायदे हैं कुछ फायदे हैं कि हाँ भाई इमेज बढ़ेगी गुडविल बढ़ेगी रेप्यूटेशन बढ़ेगी चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन भाई पब्लिक रिलेशन का क्या रोल है पब्लिक रिलेशन क्यों करनी चाहिए तो बच्चों पब्लिक रिलेशन हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हम अपनी कंपनी की पॉजिटिव इमेज पब्लिक या जनता तक पहुंचा सके देखिए अगर मेरी कंपनी के बारे में मेरे पब्लिक में एक अच्छी इमेज रहेगी एक पब्लिक मेरी कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा सोचेगी तो मुझसे सामान मान खरीदेगी मेरी कंपनी सक्सेसफुल होगी तो पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है कंपनी को पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए इन द आईज ऑफ कंज्यूमर्स गवर्नमेंट सप्लायर्स वेरियस स्टेक या इंटरेस्ट होल्डर तो मेरी कंपनी के अलग अलग इंटरेस्ट होल्डर्स हैं जो मेरी कंपनी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं कंज्यूमर्स गवर्नमेंट सप्लायर्स उनकी नजरों में मेरी कंपनी की पॉजिटिव इमेज बने यह देखने का काम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का भी होता है अगर पब्लिक से मेरे रिलेशन अच्छे रहेंगे तो मैं आराम से नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकूंगा जिसको जनता आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेगी क्योंकि मेरी कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी है तो देखिए कंपनी की अच्छी इमेज से फायदे होंगे रेपेशन अच्छी होगी तो मैं नए है, है तो मेरे बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने में मुझे हेल्प मिलेगी अगर मेरी कंपनी की पब्लिक में इमेज अच्छी है तो बच्चों ये हो जाता है आपका पब्लिक रिलेशन का काम पब्लिक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का बेसिकली काम यह है कि देखो हर कंपनी में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है बेसिकली उनका काम होता है न्यूज या हम कह सकते हैं आ, आर्टिकल्स वगैरह छपवाना मैगजीन्स वगैरह में आर्टिकल्स देना अगर कंपनी किसी कंट्रोवर्सी में फंस गई है तो ऑफिशियल्स जो कंपनी के हैं उनका इंटरव्यू कराना टॉक शोज में भेजना ठीक है मतलब हर वो एक्टिविटी करना आ, सोश, आ, आ, सोशल वेलफेयर के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलवाना कंपनी को हर वो काम करना जिससे कि कंपनी अपनी जो इमेज है वो पब्लिक के बीच में बेहतर कर सकती है बच्चों एक टॉपिक हमारा जो अभी रह गया है वो भी इंपॉर्टेंट है के जो सबसे थे, मैंने उनको पहले आपके मार्केटिंग के मिक्स थे और मार्केटिंग के कंसेप्ट थे ये दो टॉपिक हो गए एक और टॉपिक है छोटा सा मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शन है जो आप लोगों ने इंटीग्रेटेड मार्केट पढ़ा था उसमें मार्केटिंग के सारे फंक्शन ही तो आते हैं ठीक है थीके? जिसमें सबसे पहला जो फंक्शन है बच्चों वो है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन मार्केट की जानकारी को कंपनी इकट्ठा करती है इस स्टेप में और ये सबसे पहला स्टेप है जहां पे कंपनी ये जानना चाहती है कि कस्टमर के क्या टेस्ट हैं क्या प्रेफरेंस हैं और कस्टमर को हमारे क्या पसंद है मार्केट प्लानिंग के अंदर हम नीड टू मीट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव दर्म एफेक्टिवली एफिशिएंटली ठीक है बच्चों कंपनी के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट होना चाहिए मेरी कितनी ग्रोथ होनी चाहिए इस चीज़ को पाने के लिए हासिल करने के लिए कंपनी मार्केट के बारे में प्लान बनाती है प्लान क्या कब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे क्या ब्रांड होगा क्या ब्रांड नेम होगा कितने में बनेगा कितने में बेचूंगा प्रमोशन कैसे करूंगा ये पूरा का पूरा प्लान बनता है मार्केट प्लानिंग के दूसरे स्टेप में और तीसरा स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट को डिजाइन करना और डेवलप करना तो जब मैंने मार्केट के बारे में जानकारी ले ली जब मैंने मार्केट की पूरी प्लानिंग कर ली अब मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा डेवलप करूंगा हाउ टू मेक द प्रोडक्ट इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव मैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी करता हूं और अपने मार्केटिंग के अंदर ये तीनों लाइन से चलेंगे आगे देखते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग भैया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा फिर मैं क्या करूंगा अब देखो अब कितना आसान हो गया ना आपके लिए हर चीज समझना पता है क्यों क्योंकि अगर मैं इसको पहले पढ़ा देता ना तो आप मुझसे पूछते सर ये पैकेट क्या होता है ये लेबल क्या होता है अब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या है आपको पैकेजिंग का मतलब पता है मैं पढ़ा चुका हूं। लेबलिंग का मतलब पता है पढ़ा चुका हूं तो पैकेट तैयार करना लेबल तैयार करना प्रोडक्ट बनने के तुरंत बाद ही तो पैकेट तैयार होगा लेबल तैयार होगा ना है ना तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए और प्रोडक्ट की मार्केट में पहचान के लिए हमें क्या करना है

आपका फोन है मान लीजिए एक साल की वारंटी है खराब हो गया तो कंपनी में जाके आप बनवा सकते हैं यानी कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इससे क्या होता है मार्केटर की कंज्यूमर की नजरों में अच्छी इमेज तैयार हो जाती है हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड इमेज इन द आईज ऑफ इंप्लाइज अबाउट द मार्केटर और लास्ट है प्राइजिंग भाई किसी भी कंपनी को क्या चाहिए कि वो uh, किसी भी कंपनी को क्या चाहिए ये है सातवां ये है आठवां और ये है नाइन्थ देखिए किसी भी कंपनी को क्या चाहिए बच्चों कि वो अपना प्राइस तय करे प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम अगर प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा हो जाती है यानी कि लॉ ऑफ डिमांड काम करता है तो प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस डिमांड दोनों एक साथ चलते हैं है ना प्रमोशन हम करते हैं अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सामान है वो सही जगह पे सही कंडीशन में सही समय पे पहुंच जाए ताकि कस्टमर हमारे सामान को खरीद है। में again, और वाली आती है। तो पार्टी, गया होगा और आप लोगों को वन शॉट सबसे पहले कैसा लगा तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा और आप लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो प्लीज बताइएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अभी जाना नहीं मैं आपको नवंबर है दिसंबर है चार महीने बचे हैं क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम चालू हो जाता है जनवरी में आप बाईवा प्रोजेक्ट और इन सब चीजों में फंसे रहते हो चार महीने हैं पढ़ाई करने के लिए चार महीने हैं रिविजन करने के लिए जनवरी आपका ऐसे ही निकल जाएगा फरवरी में बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे देखते देखते समय बीत जाएगा और आपकी तैयारी हो सकता है बहुत अच्छे से ना हो पाए क्यों 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 क्योंकि 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 आप आप क्वेश्चन नहीं नहीं लगा रहे रहे डिटेल में पढ़ आपके पास पीडीएफ नहीं है इन सब कमियों को दूर करने के लिए मेरा जो सजेशन आप लोग को हमेशा रहता है वो रहता है कि आप लोग हमारे कंप्लीट बैचेस में या कंप्लीट कोर्सेज में भी इनरोलमेंट कर सकते हो ठीक है और जो सबसे बेहतरीन चीज आपके लिए है वो है सीयू का ये महापैक सर क्यों है क्योंकि देखो बेटा सीयूईटी के बहुत सारे बैचेस लॉन्च होंगे आगे आने वाले समय में इन सारे बैचेस का एक्सेस आपको महापैक के अंदर मिल जाता है आपके जो सीनियर्स है जो आज बेहतरीन कॉलेज में पहुंच चुके हैं उनसे मेंटोरशिप मिल जाती है आपको अनलिमिटेड टेस्ट का एक्सेस मिल जाता है वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं परंतु एनरोलमेंट जब भी करें तो आपको यह कूपन कोड ध्यान में रखना है अब ध्यान समझिए जब मैं कहता हूं कि महापैक के अंदर आपको हर बैच का एक्सेस मिलता है तो इसका क्या मतलब है देखो बेटा बैचेस के अंदर लाइव क्लासेस रन हो रही है बट बैच लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बट अगर आप महापैक में एनरोलमेंट करते हो तो महापैक का फायदा देखिए क्या है मान लीजिए आज कोई बैच लॉन्च हो रहा है आप उसमें भी पढ़ सकते हो कल कोई बैच लॉन्च हो रहा है आप उसमें भी पढ़ो परसों कोई बैच लॉन्च हो रहा है आप उसमें भी पढ़ो यानी कि देर आर अनलिमिटेड क्लासेस और इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय बेटा डबल वेलिडिटी भी महापैक के अंदर मिल रही है और काफी हैवी डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है बट ओनली ऑन दूपन वाई सेवन सिक्स है तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो अच्छा सबसे पहली बात यह कि बेटा पीडीएफ वगैरह के लिए भी आप क्या कर लो? कर लो लो अड्डा की एप्लीकेशन को इंस्टॉल और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है परेशान मत होना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन का क्लिक करोगे सीधे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर या आईओएस से ठीक है अब देखो कैसे कैसे आप कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूं आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले ट्वेंटी फोर सेवन की एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करनी है जो कि कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में साइनअप लॉग इन वॉइन का ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन पर फोन में आ जाएगा ऐप खोलते ही साइन साइनअप लॉइन का ऑप्शन आएगा मेल आई फोन नंबर डाल के लॉगिन कर देना सिंपल उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे फोन पे स्टोर का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना ऑल कोर्सेज पे जाना यू जी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो आप सी की तैयारी कर रहे हो आप सी यू पे जाना और सी यू कॉमर्स पे जाना आप परेशान मत हो ना सी टी बोल रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि क्लास ट्वेल्व की तैयारी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि यार CUT एक बड़ी पिक्चर है सीयूटी क्लियर होगा सीयूटी के कंसेप्ट क्लियर होंगे क्लास के अपने आप हो जाएंगे ठीक है है तो ऑल पे क्लिक करो तुम और पहुंचो महा पैक में ये देखो। ये देखो हमारा ई बुक वाला महापैक ठीक है अब इसका जो इनिशियल प्राइस है वो है इतना ठीक है अगर तुम इस पे बाय नाउ पे क्लिक करो और यहां पे देखो कूपन कोड जो मैंने बताया वो अप्लाई करो क्या है हमारा कूपन कोड हमारा कूपन कोड है वाई उसके बाद सेवन सिक्स और नाइन जैसे ही हमने देखिए यहां पे किया अप्लाई ये देखिए आपके सामने अप्लाई करके दिखा रहा हूं और जैसे ही मैंने यहां पे अप्लाई किया ठीक है तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है थर्टी परसेंट का ठीक है ओके डरे मामला तो ये हो जाएगा आपका महापैग इसमें आपको किताबें मिल जाएंगी इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ये देख सकते हैं ये देखिए इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे किताबें मिल जाएंगी क्लासेस मिल जाएंगी और सारे के सारे टीचर्स चाहे आप बात करो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज इंग्लिश हिंदी मैथ्स एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जी टी लैंग्वेज डोमेन एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस महापैर तो बच्चा पार्टी आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो वन शॉट की क्लास है ये अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बस आप लोगों को क्या करना है अपनी पढ़ाई को सही तरीके से करते रहना है आ, अपने बैचेस को ज्वाइन करके क्लासेस रेगुलरली ले, लेना शुरू करिए सिलेबस को फटाफट -फड़ से फिनिश करिए फटाफट -फड़ से क्वेश्चन लगा के फिनिश करिए क्वेश्चन लगाने के साथ साथ आप मतलब वही है कि मॉक टेस्ट मिलेंगे तो क्वेश्चन लगाओगे तो मॉक टेस्ट खुद से लगाइए अपनी प्रैक्टिस अपनी एक्यूरेसी को जज करिए कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो है ना मेरे सारे वन शॉट्स को वाई से कवर कर लीजिए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पे जहां पे आपको मैंने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेकर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस इन्वॉर्यमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मार्केटिंग मार्केटिंग और कंज्यूमर कंज्यूर भी आप लोग को पढ़ाऊंगा तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस चैनल प्लेलिस्ट आपके पास है एमसीक्यू वाले सेशन आप देख सकते हो बैच में एनरोलमेंट करके आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो बस कहने का मतलब इतना है कि पढ़ाई शुरू करिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं की है अगर स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा तो दिस इज द हाई टाइम अभी ये डिसीजन लीजिए कि आप अब पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं क्योंकि फिर क्या होगा फिर एक बार समय बीत गया तो डीमोटिवेट हो जाओगे समय रहेगा नहीं लोड लोगे प्रेशर लोगे और फिर पेपर्स में क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं चलिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में तब तक ले आप अपना ख्याल रखें बाय बाय टेक केयर एंड जय हिंद ऑल द बेस्ट है ना बाय बाय